तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ रहना स्वस्थ मस्त और अच्छे रहना दोस्तों। और हम लोगों का क्या है दोस्तों, हम लोग तो अच्छे नहीं हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। क्या बताएं दोस्तों, और दोस्तों क्या क्या शबनम के साथ हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि शबनम के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, शबनम क्यों घर से अपने आई हैं और क्यों नहीं आई हैं, और कैसे आई हैं कैसे नहीं आई हैं दोस्तों, क्या आप लोगों से बताएं। और दोस्तों देखिए, शबनम जब से आई हैं ना, तब से बस रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। और दोस्तों इतना चोट लगा है उनको कि क्या हम बताएं आप लोगों को। तो वीडियो हम आप लोगों को दिखाए ही हैं, और फिर भी कितने लोग बोल रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि शबनम की बड़ी बहन है जो कि पीछे से ऐसे ऐसे कर रही है, बोल रही है कि सब नाटक कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा बताइए दोस्तों, ये सब आप लोगों को नाटक लग रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी की ज़िंदगी, किसी की घर उजड़ जा रही है, आप लोगों को नाटक लग रहा है दोस्तों? प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए। हम वो इसलिए ऐसे इसलिए अपने बहन को किए हैं क्योंकि हम बोल रहे थे कि अब आप बोलिए, इसके लिए हम उसको पीछे से मतलब कर रहे थे कि आप बोलिए, और आप लोग गलत समझ लेते हैं उसका मतलब। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करिए, आप लोग वैसे सोचिए। हम आप लोगों की सोच को रोक नहीं सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। और दोस्तों जिसको लग रहा है वो कमेंट कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, पर हमारा इरादा वैसा कुछ नहीं है। अगर झूठ होता तो इतना सारा चोट शबनम को लगा है, वो देख कर भी आप लोग अनदेखा कर दे रहे हैं, बताइए। अगर झूठ होता तो शबनम को इतना सारा चोट लगा, अभी सुबह हम उसको सब हल्दी हल्दी पीस के लगाए हैं, तो वो भी आप लोगों की नज़र में झूठ ही होगा, कोई बात नहीं है। अगर देखिए दोस्तों, किसी की ज़िंदगी उजड़ रही है, किसी का परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, वो आप लोगों को झूठ लग रहा है? अब झूठ लग रहा है आप लोगों को, तो हम उससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाएंगे। और दोस्तों शबनम कैसे आई है, किस हालात में आई है, आज आप लोगों को पूरा वीडियो फुल देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जो कि इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि शबनम किस हालात में आई थी और कितना रोए जा रही थी दोस्तों। हम क्या बताएं आप लोगों से दोस्तों, हम तो नहीं थे, हम अपने घर पे थे, जो कि बोल पहले तो हमारे घर आने वाली थी दोस्तों। हम बोले हैं कि बहनी हमारे घर आइएगा, और तब अपने मतलब तब अश्विन के मम्मी के पास जाइएगा। तो पहले घर से तो बोली थी दोस्तों कि ठीक है, हम आपके घर ही आएंगे, और उनके पति जी भी बोले थे कि ठीक है हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों ऐसे हालात में आई थी ना कि हमारे घर जाने के लायक नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे, जानते हैं, हमारे गांव के सब गांव के लोग हैं दोस्तों। बताइए अगर वैसे उस हालात में देखेंगे तो उन लोगों को, वो लोग तो नहीं जानेंगे कि किस हालात में आई है, और हमको बुरा लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे बहन के बारे में कोई कुछ भी कहेगा कि ऐसे आई थी वैसे आई थी, तो हमको बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। और इसलिए दोस्तों क्या हम आप लोगों से बताएं, उस जिस हालात में आई थी ना, तो वीडियो हम डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि किस हालात में आई थी। बस क्या बताएं, साड़ी एक अलग कलर का था, ब्लाउज दूसरे सेट पर के था, और साड़ी दूसरा सेट पर के था। तो इसीलिए दोस्तों हमारे घर नहीं आई, और यहाँ पे आई इसलिए आई क्योंकि दोस्तों हाथ दर्द करने लगा। यहाँ पे क्यों आई हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बस अश्विन की मम्मी का ही घर है, और किसी का घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं नया नया घर, नया नया ज़मीन ले कर सब बनवाए हैं घर, और तो यहाँ बस यही सब रहते हैं। तो दोस्तों इस गाँव का लोग ना बहुत अच्छे हैं दोस्तों, क्या जितना तारीफ करें बहुत कम होगा, यहाँ के लोग बहुत मानते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं लगता है कि इस गांव का लोग, क्या बताएं दोस्तों, इतना प्यार देते हैं शबनम की मम्मी पापा की याद आ जाती है। और दोस्तों शबनम की हालात आप लोगों को देखना है तो पूरा फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है? और दोस्तों आई थी ना, इतना रो रही थी, हम तो नहीं थे अपने यहाँ पे,
जो कि वीडियो हम देखे हैं, हमारी बहन बना के रखी हैं तो डाली नहीं थी, तो वीडियो हमको दिखा रही थी कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ है, तो वही सब देखे हैं दोस्तों। हमको तो बहुत रोना आ रहा था। और दोस्तों थैंक यू आप लोगों से, जो आप लोग हमको राय मशवरा दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। कि शबनम को दीदी, रूपा दीदी प्लीज़ आप शबनम को जाने मत दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम नहीं जाने देंगे, अपनी बहन को नहीं जाने देंगे दोस्तों। एक बार गलतियाँ तो सबसे होती है दोस्तों, पर आपसे गलतियाँ दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी बहन का ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है दोस्तों, क्योंकि अभी बच्चे उच्चे भी नहीं हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब सही है। तो इसके लिए अब नहीं जाने देंगे। और आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, अभी हम लोग बोल भी रहे हैं कि मतलब डिवोर्स वोस दे दीजिए, तो वो राज़ी नहीं हो रहे थे दोस्तों। फिर बहुत बोलने उलने के बाद हम लोग गए महिला थाना होना पे गए थे दोस्तों, तो वहाँ पे यही सब बातें हुई हुई हैं। तो बोल रहे थे कि हाँ चलिए ठीक है, हम दे देंगे, और हमारी बहन का शादी है तो शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देंगे। तो यही सब बात है दोस्तों। और दोस्तों हम शबनम से पूछ रहे हैं, तो बोले हम कभी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे पर कभी नहीं जाएंगे, यही सब बोल रही है दोस्तों। और क्या बताएं आप लोगों से। तो दोस्तों अब देखिए, उनकी बहन का शादी भी पड़ा है, जो कि हम लोग वहाँ पे भेजेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों वो लोग ऐसे इंसान है ना, क्या हम आप लोगों से बताएं, कुछ नहीं समझते हैं। अगर कॉल करें तो कॉल भी नहीं उठाते हैं, जब झगड़ा हो जाता है ना दोस्तों तो कॉल भी नहीं उठाते हैं कि थोड़ा दो बात हम लोग अपने बहन से कर लें, नहीं हो पाता है। तो इसके लिए चिंता होता है, और पास में है नहीं कि हम लोग जाएंगे देख आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों यही सब बातें हैं, और क्या बताएं आप लोग। वीडियो देखिएगा फुल, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी सच्चाई जानेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, शबनम का चैनल भी स्ट्राइक स्ट्राइक आ गया है, क्या बताएं, इसके लिए वीडियो नहीं डाल पा रही हैं, पर कोशिश कर रही हैं हम लोग दोस्तों, बना नहीं रही हैं वीडियो भी, बाकी हम लोग बोले हैं कि बना लो, और ऐसे चैनल डाउन हो जाएगा, इसके लिए मजबूरन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी दिल की बात बताना चाहती है आप लोगों को। तो इसीलिए वो हम लोग बोले हैं कि अपनी दिल की बात अपने सब्सक्राइबरों लोगों से बता दो। तो ठीक है दोस्तों, उसके चैनल पे देखिएगा आप लोग। ये बतिया मन को था, मतलब बुझात बटे मैं ससुराल साहब थे ब्याज से के दिनो तो निशा दवाई रखो तो नहीं पता नहीं थे, देखा इसी में ज्यादा रखे ब्याज तो दिन ऐसे बनाइयो के लेके आइला, या ऐसे बनाइयो लेके आइला, कुछ नहीं पता झारे के बट लही ने बाकी पीछे जोनी साहब से मिल चुके रे बना चल जाए आई नहीं ने एक मन ले एक डरन एक डरन ऐसा कहना नहीं।